गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ योर फाइन। चलो बच्चों, हम लोग आज मैंने आपको कैपिटल लेटर में जेड तक जो है फिलअप में दिया है ना, तो हम लोग को उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखोगे आप या आप देख भी सकते हो कि मिसिंग लेटर है, यानी कहीं कहीं पे जो है लेटर मिसिंग है ना, तो हम लोग को उसे फिल करना है। इसे फिलअप भी कहते हैं क्योंकि हम लोग रोज़ आपको ऐसे फिलअप देते भी हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस फिलअप को कंप्लीट करें, देन उसके बाद आपका जो होमवर्क है मैं आपको बता दूंगी। तो आप देख सकते हो कि ई के बाद जो है क्या होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो जो जो लेटर है उसके बाद क्या क्या होगा वो लेटर यहाँ पे मिसिंग है, हमें उसे फिल करना है ना, भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी में इस तरह से फिलअप को लिख लोगे। आपके घर में जो अभी बड़े होंगे उनसे आप ये वर्क कंप्लीट कराओगे और फिर आप उसमें फिल कर लोगे, ठीक है? तो ए के बाद हमें क्या लिखना है बेटा? बी। और आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में सारे दिए हुए हैं, तो आप भी कैपिटल लेटर ही फिल करोगे। सी के बाद क्या होगा बेटा? ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो। डी। ई के बाद क्या होगा बेटा? एफ। तो मैंने यहाँ पे एफ लिखा। जी के बाद क्या होना चाहिए? H। तो मैंने यहाँ पे H लिखा। I के बाद क्या होना चाहिए? J। तो मैंने यहाँ पे J लिखा बेटा। K के बाद क्या होना चाहिए? L। तो मैंने यहाँ पे L लिखा। M के बाद क्या होता है? What comes? N। M N। O के बाद P। और Q के बाद क्या आता है? Yes, R। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर। एस के बाद क्या होगा? टी। तो मैंने यहाँ पे टी लिखा। यू के बाद क्या होगा बेटा? वी। तो मैंने यहाँ पे वी लिखा। डब्ल्यू के बाद क्या होगा? एक्स। तो मैंने आपको बताया है दो स्लैंटिंग लाइन क्रॉस लाइन करना, एक्स हो जाएगा। एंड वाई के बाद यस, जेड, जिसे हम लोग जी भी कहते हैं, है ना। तो ये कैपिटल लेटर में मैंने फिलअप जो है कंप्लीट कराया। आपका होमवर्क है ए टू जेड, यानी आपको अपनी कॉपी में ए टू जेड राइट करना है कैपिटल लेटर में, ओके? मैंने यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर लिखा है, तो ए टू जेड आप लोग यहाँ पे अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करोगे, ठीक है? चलिए मैथ्स में देखिए बेटा क्या है। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई थिंक आपको मैंने 80 तक लिखना सिखा दिया है काउंटिंग में। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आप लोग 80 तो मैंने लिखना सिखा दिया, बट आप सब कहाँ तक जानते हो। तो ये मैंने कुछ फिलअप दिए हुए हैं, इसे आपको फिल करना होगा अपनी कॉपी में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, आप फिर वैसे ही घर में प्रैक्टिस करते रहोगे। अब आप भी बताइए, वन के बाद क्या होना चाहिए? यस, टू। तो हमें यहाँ पे टू फिल करना है। थ्री के बाद क्या होना चाहिए? फोर। तो हमें यहाँ पे फोर फिल करना है। फाइव के बाद मिसिंग लेटर है, क्या होना चाहिए? सॉरी, मिसिंग नंबर है, तो सिक्स। सेवन के बाद क्या होना चाहिए? एट। तो मैंने यहाँ पे एट लिखा। एंड नाइन के बाद क्या होना चाहिए? टेन। तो बेटा आप हमेशा, अगर आपको ऐसे फिलअप मिलते हैं ना, तो आप हमेशा देखो कि वो कौन सा नंबर है। आपको पहले पहचानना होगा कि पहले जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तभी आप वहाँ पे फिल कर सकते हो एग्जैक्ट नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 1111 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 1111। तो अब आपको बताना होगा कि 1111 के बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में। तो 12 आता है, 1212। तो हमें यहाँ पे 1212 फिल करना है। 1313 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1414। तो मैंने यहाँ पे 1414 लिख दिया। 1515 के बाद क्या आएगा बेटा? यस, 1616। और 1717 के बाद क्या आएगा? यस, 1818। तो मैंने यहाँ 1818 लिख दिया। और 1919 के बाद क्या आता है? यस, 2020। तो हम लोग यहाँ पे 2020 फिल कर दिए। तो इस तरह से आप भी अपनी मैथ्स की कॉपी में इस फिलअप को कंप्लीट करोगे। और होमवर्क है राइट काउंटिंग 1 to 20, यानी 1 to 20 आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में लिखना है, 1 to 20, ओके, काउंटिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में। हिंदी में देखते हैं क्या होमवर्क है आपका।
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अ आ छोटी बड़ी लिखना सिखाया था, है ना? तो आज हम लोग उसे लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा अ आ या फिर हिंदी में कख ग जो होते हैं बेटा थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो हमें इसे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि हिंदी बहुत ही टफ होता है, तो आप लोग उसे 1 times, 2 times, 3 times उसे घर में रिपीट करते रहोगे। ये नहीं कि एक बार लिखा, होमवर्क में मिला और वो कंप्लीट हो गया मेरा कोरम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि आपको अच्छी तरह से लिखने नहीं आ जाए बेटा, आप सब घर में प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए फिर से हम लोग अ लिखते हैं। तो मैंने बताया है, आप पहले 3 लिखोगे, उसके बाद मिडिल लाइन से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करोगे और एक बड़ा सा स्टैंडिंग लाइन, है ना? ये हो गया आ। अब हमें आ लिखना है, तो फिर से हम लोग 3 बनाएंगे, जैसे मैथ में 3 लिखते हो ना। इसके मिडिल से एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन निकालेंगे और एक बड़ा सा स्टैंडिंग लाइन। बड़ा सा मैंने बहुत बड़ा नहीं, ये दोनों को लाइन को ये जो है गैप उसमें आपको कवर कर देना है ना? अब यहाँ पे क्या है, आ लिखना है, तो एक और स्टैंडिंग लाइन। अ से अनार, आ से आम। अब हमें छोटी ई लिखना है, तो एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन बेटा, और फिर हमें ड जैसे लिखते हो हिंदी में, ट ठ ड लिखते हो ना, वैसे ड लिख के इसका छोटा सा एक टेल निकाल दो। ये हो गया छोटी। अब हमें बड़ी ई लिखना है, तो बड़ी ई ठीक सेम वैसे हम लोग लिखेंगे, बट क्या करना है, इसके ऊपर एक छोटा सा टेल, इसका एंटीना निकाल देंगे। ये हो गया बड़ी। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। शुगर केन खाते ना ईख, कोई गन्ना बोलता है, कोई कोई कतारी बोलते हैं। तो अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में इसे लिखकर कंप्लीट करोगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे। टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।